कि पाकिस्तानी कौम को बताना चाहिए कि कभी भी पॉलिसी खौफ के ऊपर नहीं बनती, पॉलिसी प्रिंसिपल्स पे बनती है। कौम अपने इंटरेस्ट को सामने रख के बनाती है, अपने विजन को सामने रखती है कि किस मकसद से पाकिस्तान बना था। आज बिल्कुल पाकिस्तान की कोई विजन की समझ नहीं आ रही। एक नई पॉलिसी आई है, एनलाइटेंड मॉडरेशन। मैं बड़ी समझता हूं कि मुझे अंग्रेजी काफी लोगों से बेहतर आती है, लेकिन मैं अभी तक इसका मतलब नहीं समझ सका कि एनलाइटेंड मॉडरेशन का क्या मतलब है। मैं फिर इस नतीजे पे पहुंचा, क्योंकि इसका मतलब तो कुछ है नहीं, मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इसका मतलब ये है, दो तीन मतलब निकल सकते हैं। एक तो ये कि चुप करके अमरीकनों की गुलामी कबूल कर लो। दूसरा इसका मकसद ये है कि अगर आप मॉडरेट, वो मुसलमान है जो कि एक मगरबी तौर तरीके अपना चुका है और मगरबी वैल्यू सिस्टम अपना चुका है, वो मॉडरेट है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मॉडरेट का मतलब वो, और आप देख ले सारे हमारे जितने ऊपर आज वुजरा और जितने, वो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह लोग ये ना कह दें ये बैकवर्ड है। बैकवर्ड और आगे मॉडर्न मुसलमान या मॉडरेट मुसलमान वो है जो कि एक वेस्टर्नाइज मुसलमान है। तो ये एक इसका जो सबसे बुरा नुकसान है वो हमारे नौजवानों पे है, और वो नौजवानों पे अगर आपने नुकसान देखना है तो हमारी टीवी चैनल्स आप देख लें, उसमें एक कल्चर निकला है कि जो वेस्टर्नाइज चीज है इसमें फख्र किया जाता है कि अगर मैं वेस्टर्न हूं तो फख्र है। वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को कंफ्यूज किया जा रहा है। मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में कोई जरूरी ताल्लुक नहीं। मॉडर्नाइजेशन तो इंसान का ज़हन आगे बढ़ता है। प्रोफेसर साहब ने बात की प्रोफेसर्स की, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स की जो येल और हार्वर्ड से पढ़ के आ जाते हैं। असल में तो जब तक आपके मुल्क में ओरिजिनल थॉट नहीं आता, जिसकी अभी ये जो बात कह रहे थे कि आप जब अपने ज़हन को आगे बढ़ाते हैं तो आप कॉपी नहीं किसी को करते। आप जरूर सारी दुनिया में से नॉलेज गैदर करें, लेकिन फिर उसको खुद प्रोसेस करें। ओरिजिनल थॉट तो वो होता है। तो आज हमारे मुल्क में वेस्टर्नाइजेशन के नाम पे वेस्टर्न कल्चरल इंपीरियलिज्म को इम्पोज किया जा रहा है हमारे मुल्क पे। और वो जिस तरह मैंने कहा टीवी पे आप रिफ्लेक्ट कर लें कि ऐसे लग रहा है कि नौजवानों को, और ये सिग्नल दिया जा रहा है नौजवानों को कि अगर आपने मॉडर्न होना है तो एक वेस्टर्न क्लोन बन जाए, जो भी